महापुराण आदि पुराण भाग दो त्रय त्रिशतम पर्व 33वां पर्व। अथांता जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवों को नम्रीभूत किया है तथा समस्त दिग्विजय में सफलता प्राप्त की है, ऐसे श्रीमान चक्रवर्ती भरत अपने अयोध्यापुरी के प्रति लौटे। इन भरत महाराज को 9 निधियां और 14 रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्याधरों के साथ साथ 6 खंडों के समस्त राजा भी इनके वश हुए थे। लवण समुद्र ही जिसकी मेखला है, ऐसी इस समस्त पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती ने अपने अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान किया। ढुलते हुए चमर ही जिसकी लहरें हैं और ऊपर चमकते हुए छतरी जिसके बबूले हैं, ऐसी वह सेना गंगा के समान विजयात पर्वत के तट से निकली। हथिनी रूपी नावों से, घोड़ों के समुद्र रूपी लहरों से और मनुष्य के समुद्र समूह रूपी छोटी छोटी तरंगों से दिशा को रोकता हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेना रूपी समुद्र चारों ओर फैल गया। उस समय चलते हुए रथ के पहियों के चीतकार शब्द से, घोड़े की हिन्नाट से और हाथियों की गर्जना से शब्दाद्वैत हो रहा था, अतः सभी और एक शब्द ही शब्द नजर आ रहा था जिनका शब्द अतिशय गंभीर है। ऐसी प्रस्थान काल को सूचित करने वाली भेरियां मयूर को असमय में ही बादलों के गरजने की शंका बढ़ाती हुई शब्द कर रही थी। उस समय दौड़ते हुए हाथियों के समूह से घोड़ों का समूह रुक गया था और चलते हुए रथों के समूह से पैदल चलने वाले सिपाहियों का समूह रुक गया था। पैदल सेना के द्वारा जिन्हें कुछ बाधा की गई है, ऐसे हाथी घोड़े और रथ थोड़ी थोड़ी दूर तक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्ते पर आ रहे थे। भावार्थ, सामने पैदल मनुष्यों की भीड़ देखकर हाथी घोड़े और रथ बगल से बरकर आगे निकल रहे थे, जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है, जिनकी कांदरी इंद्र के समान है। ऐसे चक्रवर्ती ने पर्वत के समान ऊंचे विजय पर्वत नाम के हाथी पर सवार होकर प्रस्थान किया। चक्रवर्ती की वह सेना गंगा नदी के किनारे किनारे अनेक देश नदी और पर्वतों का उल्लंघन करती हुई क्रम से कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंची। तदनंतर चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत को समीप ही देखकर सेनाओं को वहीं पास में ठहरा दिया और स्वयं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए प्रस्थान किया। जिस प्रकार सौदम इंद्र के पीछे पीछे दैदीप्यमान मुकुट को धारण करने वाले अनेक देव आ जाते हैं, उसी प्रकार आगे आगे जाते हुए अतिशय कांतिमान महाराज भरत के पीछे पीछे दैदीप्यमान मुकुट को धारण करने वाले अनेक राजा लोग जा रहे थे, जिनकी कांति शरद ऋतु के बादलों के समान है। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान की यश के समूह के समान जान पड़ता है, ऐसे उस कैलाश पर्वत को बहुत शीघ्र पाकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए। जो पढ़ते हुए झरनों के शब्दों से ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर तीनों जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की सेवा करो, इस प्रकार देव लोगों को आदर पूर्वक बुला ही रहा हो। जिनकी ऊंची ऊंची शाखाओं के अग्रभाग वायु के द्वारा हिल रहे हैं और जिन पर फूले हुए फूल उनके मध्य मंद हास्य के समान मालूम होते हैं, ऐसे अपने किनारों पर के वृक्षों से जो ऐसा जान पड़ता है मानो संतोष से नृत्य ही कर रहा हो। जो जिन किनारों पर से झरनों के पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेंद्र वंदना की भगवान की वंदना करने के लिए चारों ओर से आते हुए भव्य जीवों के समूह के लिए पैर धोने के लिए जल देने को उद्यत हुआ हो। जो शिखरों से विदीर्ण हुए बादलों के समूह से गिरते हुए जल से ऐसा जान पड़ता है मानो दावानल के डर से अपने समीपवर्ती लताओं के वन को सींची रहा हो। जो स्फटिक मणि के सफेद पत्थरों से बने हुए और आकाश को घेरने वाले अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों से ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्य की गति के फैलाव को रोक ही रहा हो। जिनमें कहीं तो किन्नर जाति के देव संभोग कर रहे हैं, कहीं नागकुमार जाति के देव सेवा कर रहे हैं और कहीं विद्याधर लोग पीड़ा करते हैं। ऐसे अनेक वनों से जिनकी शोभा प्रकट हो रही है, जो कहीं कहीं पर कुछ कुछ नीलमणियों की किरणों से मिले हुए स्फटिक मणियों के पत्थरों से देवों को इंद्रमंडल की आशंका उत्पन्न करता है, जो कहीं पर हरे रंग के मणियों की प्रभा के समूह से स्फटिक मणियों की प्रभा के समूह से आकाश में इंद्रधनुष की रेखा लिख रहा हो,
कहीं पर पद्म राग मणियों की किरणों से मिले हुए स्फटिक मणियों की रेखा से जिसके किनारे का समीप भाग कुछ कुछ लाली लिए हुए सफेद रंग का हो गया है, और कहीं कहीं ऐसा जान पड़ता है मानो उसे कैलाश कुछ कुष्ठ रोगी हो गया हो। अनेक धातुओं के टुकड़े टूट टूट कर पड़े हैं जो सिंहों के नखों का आघात सहने वाली है, इसलिए जो ऐसी जान पड़ती है मानो उन पर बहुत सा दाद हो गया हो। ऐसे अनेक चट्टानों से जो व्याप्त हो रहा है, कहीं कहीं पे जिनमें गुफाओं के भीतर गरजते हुए सिंहों की प्रतिध्वनि व्याप्त हो रही है, इसलिए जिन्हें मरोन्मत हाथियों ने छोड़ दिया है, ऐसे अनेक किनारों को जो धारण कर रहा है और जो कहीं कहीं पर शरद ऋतु के बादलों के भीतर रहने वाली बिजलियों के समान स्फटिक मणियों की शिलाओं पर चलने वाली देवांगनाओं का धारण कर रहा है, इस प्रकार अद्भुत शोभा से सहित उस कैलाश पर्वत को देखकर चक्रवर्ती भरत बहुत ही आनंद को प्राप्त हुए। और उसका खास कारण यह है कि चक्रवर्ती के समान ही अलंग और बृहत अर्थात पर्वतों का अधिपति था। धर्म बुद्धि को धारण करने वाले महाराज भरत पर्वत के नीचे दूर से ही सवारी आदि पारिकर को छोड़कर पैदल चलने लगे। पर्वत पर पैदल चलते हुए भरत को थोड़ा भी खेद नहीं हुआ था, सो ठीक ही है, क्योंकि कल्याण चाहने वाले पुरुषों को आत्म का हित करने वाली क्रियाओं का खेद के लिए नहीं होता है। स्वर्ग की सीढ़ियों के समान देव रूपी कारीगरों के द्वारा बनाई हुई पवित्र मणिमय सीढ़ियों के द्वारा महाराज भरत उस कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते वे उस पर्वत के ऊपर की भूमि पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने वन की पंक्तियों में वन की शीतल वायु के द्वारा मानो अतिथि सत्कार ही प्राप्त किया था। वहां उन्होंने कहीं तो फूले हुए मंदार वन की गलियों में घूमती तथा फूलों के पवित्र आभूषण धारण किए हुए वन देवियों को देखा। कहीं वन के भीतर अपने बच्चों के साथ लेटी हुई और धीरे धीरे रोमांच करती हुई हरणियों को देखा। कहीं संकुचित होकर सोते हुए और एक जगह इकट्ठे हुए अजगर के उन बड़े बच्चों को देखा जो कि उस पर्वत की अंतड़ियों के समूह के समान जान पड़ते थे, और कहीं कहीं पर हाथियों के मध्य से सुपासित बड़ी बड़ी काली चट्टानों को हाथी समझ के नव रूपी अंकुरों से विदारण करता हुआ सिंह देखा। भरत महाराज कुछ दूर आगे चलकर जब पर्वत की शोभा देखने लगे तब पुरोहित ने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार वचन कहे। हे देव, इस पर्वत के अनेक आश्चर्यों से भरे हुए उन प्रदेशों को देखिए जिन पर की देव लोग भी स्वर्गवास में अनादर करते हुए कीड़ा कर रहे हैं। समस्त लोग को लंघन करने वाली इस पर्वत की महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर सभी के गुरु भगवान ऋषभ देव उस पर विराजमान है। यह महापर्वत अपनी गोद अर्थात निचले मध्य भाग में रहने वाली और जिनके नीचे जल रूपी वस्त्र छूट रहे हैं, ऐसे नदी रूपी स्त्रियों को कामी पुरुष की तरह सदा धारण करता है। यह सिंह अहिंसक होने पर भी केवल क्रीड़ा के लिए पर्वत की गुफा में एक बड़े भारी सर्प को खींच रहा है, परंतु लंबा होने से खींचने के लिए असमर्थ होता हुआ उसे छोड़ भी रहा है। यह पर्वत अपने तट भाग पर ऐसे अनेक वन के प्रदेशों को धारण करता है जो कि ठीक मुनियों के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुनि सब प्रकार के दंड अर्थात शीत उष्ण आदि की बाधा सहन करते हैं, उसी प्रकार वे वन के प्रदेश भी सब प्रकार के दंड अर्थात पशु पक्षियों आदि के युगल ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार वन के प्रदेश भी सबका कल्याण करते हैं, और जिस प्रकार मुनि जन समूह के संताप अर्थात मानसिक व्यथा को दूर करते हैं, उसी प्रकार यह वन के प्रदेश भी संताप अर्थात सूर्य के धाम से उत्पन्न हुई गर्मी को दूर करते हैं। यह पर्वत शब्द करने से झरनों से ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होंने अपने नखों से मदोन्मत हाथियों के मस्तक विदारण किए हैं, ऐसे सिंहों के पाप के डर से तर्जना ही कर रहा हो, दाटी दिखा रहा हो। हे नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात सेवकों सहित भद्र उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और उत्तम शरीर वाले अनेक राजाओं को धारण करते हैं, उन्हें अपने अधीन रखते हैं, उसी प्रकार यह पर्वत भी सानुचर अर्थात शिखरों पर चलने वाले पीठ पर की उच्च रीढ़ से युक्त और उत्तम शरीर वाले भद्र जाति के जंगली हाथों को धारण करता है। हे नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात सेवकों सहित भद्र उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और उत्तम शरीर वाले अनेक राजाओं को धारण करते हैं, उन्हें अपने अधीन रखते हैं, और उसी प्रकार यह पर्वत भी सानुचर अर्थात शिखरों पर चलने वाले पीठ पर की उच्च रीढ़ से युक्त और उत्तम शरीर वाले भद्र जाति के जंगली हाथियों को धारण करता है।
इधर ये अष्टापद गरजते हुए मेघों के समूह को हाथी समझकर उन पर उछलते हैं, परंतु फिर नीचे गिरकर सूक्ष्म दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कपोलों के घिसने से जिनकी छाल घिस गई है और जो मद रूपी जल से मलिन हो रहे हैं, ऐसे इस वन के वक्त छातियों की वन क्रीड़ा को साफ साफ सूचित कर रहे हैं। इधर देखिए, सिंहों की गर्जना से डरे हुए ये बंदर भय से इकट्ठे होकर लता मंडपों में बैठे हुए हैं। इधर यह वन इधर तो बड़े बड़े मुनियों के पाठ करने के शब्दों से रमणीय हो रहा है, और इधर तृणों के अग्रभाग का ग्रास खाने वाले हरिणों के समूह से व्याप्त हो रहा है। इधर सिंहों के कठोर शब्दों से भयंकर हो रहा है, और इधर खाना पीना छोड़कर हाथियों के समूह भाग रहे हैं। इधर जिसमें वृद्ध जंगली भैंसा ने सिंहों की नोक के बामियों के किनारे खोद दिए हैं और सुअरों ने तो छोटे छोटे तालाब खोद डाले हैं, ऐसे ये सुंदर सुंदर वन के प्रदेश हैं। छोटे छोटे तालाबों में घुसे हुए हरिणों और बांस की झाड़ियों के समीप छिपकर खड़े हुए हाथियों से साफ साफ सूचित होता है कि इस भयंकर वन पर अभी भी सिंह ने आक्रमण किया है। सदा वन में प्रवेश करने वाले और सदा जमीन पर सोने वाले हरिण और मुनियों के समूह इस वन को कभी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार यह पर्वत सदा शांत और भयंकर रहता है, परंतु इस समय श्री जिनेन्द्र देव के सानिध्य से शांति है। इधर इस वन में सिंहों का हाथियों के साथ सहवास देखिए। ये सिंह अपने नखों से किए हुए हाथियों के घावों का इच्छा अनुसार स्पर्श कर रहे हैं, जिनके पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं। ऐसे हरिण, सिंह, व्याघ आदि दुष्ट जीवों के साथ साथ चारण मुनियों से अधिष्ठित गुफाओं में निर्भर होकर प्रवेश करते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि पशुओं के समूह भी, जिन्हें वन के भय और शोभा का कुछ पता भी नहीं है, ऐसे मुनियों के पीछे पीछे फिर रहे हैं। सार्थक नाम को धारण करने वाले अष्टापद नाम के जीव से सेवित हुआ यह पर्वत आपके चढ़ने पर अष्टापद नाम को प्राप्त होगा, जिस पर अनेक मणि दैदीप्यमान हो रहे हैं। ऐसे इस पर्वत के किनारे पर समीप आता हुआ नक्षत्रों का समूह उन मणियों की किरणों से अपना मंडल तिरोहित हो जाने से प्रकटता को प्राप्त नहीं हो रहा है। भावार्थ, किनारों के समीप संचार करते हुए नक्षत्रों के समूह पर मणियों की कांति पड़ रही है, जिससे वे मणियों के समान ही जान पड़ते हैं, पृथक रूप से दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि यहाँ रात्रि के समय औषधियों का समूह प्रकाशमान रहता है, तथापि किन्नर जाति के देव अंधकार की आशंका से इंद्र नील मणियों के बने हुए इस पर्वत के किनारे के सम्मुख नहीं जाते हैं। इस पर्वत पर हरित मणियों के बने हुए किनारों पर फैलती हुई किरणों को हरी घास के अंकुर समझकर हरित हरिण आते हैं, परंतु घास न मिलने पर बहुत ही आश्चर्य और लज्जा को प्राप्त होते हैं। इधर पद्मराग मणियों की किरणों से व्याप्त हुई वन की पंक्तियां ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही है, मानो उन पर संध्या काल की लाल लाल धूपी फैल रही हो। ये सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर जल रही है, सो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थ का संबंध तेजस्वी पदार्थ के तेज को पुष्ट कर देता है। इस पर्वत पर चंद्रमा की किरणों का स्पर्श होने पर चंद्रकांत मणियों से यद्यपि प्रत्येक रात्रि को पानी झरना झरता है, तथापि वे कुछ भी कम नहीं होते, सो ठीक ही है, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। अथवा यह पर्वत ठीक जिनेन्द्र देव के समान जान पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देव के समीप देव आते हैं, उसी प्रकार इस पर्वत पर भी देव आते हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव ने सिंहासन स्वीकार किया है, उसी प्रकार इस पर्वत ने भी सिंहासन अर्थात सिंह के आसनों को स्वीकार किया है। इस पर जहां तहां सिंह बैठे हुए अथवा सिंह और प्रसन्न वृक्ष स्वीकार किए हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव महान अथा उत्कृष्ट है, उसी प्रकार यह पर्वत भी महान अथा ऊंचा है, और जिनेन्द्र देव जिस प्रकार अचल अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर है, उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात स्थिर है। ये देव जिसका उदार शरीर शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, ऐसा यह पर्वत राज कैलाश शुद्धात्म की तरह आपका कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार जब पुरोहित ने उस पर्वत की उत्कृष्ट शोभा का वर्णन किया, तब शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज भरत इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त हुए मानो सुखरूप ही हो गए हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती प्रसन्न चित्त से कुछ आगे बढ़े कि उन्हें वहां समीप जिनेन्द्र देव का समर्षण जान पड़ा। ऊपर से पड़ती हुई पुष्पवृष्टि और धुंधुबी बाजों के शब्दों से उन्होंने जान लिया था कि जिनेन्द्र त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र देव समीपी विराजमान है। मंदार वृक्षों के फूलों से सुगंधित और लता के मन को कंपित करने वाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था मानो उनकी आगवानी ही कर रहा हो।
जिन्होंने पृथ्वी को धूल रहित कर दिया है। ऐसे जल की शीतल बूंदों के साथ साथ आकाश रूपी आंगन को भरती हुई फूलों की वर्षा पड़ रही थी, जिन्हें मेघों की गर्जना समझने वाले मयूर अपनी गर्दन ऊंची कर सुन रहे हैं। ऐसे आकाश रूपी आंगन में होने वाले धुंधली बाजों के गंभीर शब्द भी महाराज भरत ने सुने थे। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भरत पैर की कांटों तक ऊंचे फैले हुए फूलों के सम्मर्द से जो अत्यंत कोमल हो गया है, ऐसे मार्ग के द्वारा बिना किसी परिश्रम के बाकी बचे हुए उन पर्वत पर चढ़ गए थे। तदंतर उस पर्वत पर चढ़कर भरत ने उसके मस्तक पर पहले ही हुई रचना से सहित जिनेन्द्र देव का समोषण मंडल देखा। इसमें समस्त सुर और असुर आकर दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, इसलिए जानकार गंधर आदि देवों ने इसका समोषण ऐसा नाम सार्थक कहा है। अतंत्र महाराज भरत जो अपने प्रकाश से अखंड मंडल वाले इंद्रधनुष की रेखा को प्रकट कर रहा है, ऐसे धूलिसाल के समीप जा पहुंचे। सुवर्ण के खंभों के अग्रभाग पर लगे हुए रत्नों के तोड़ने से जो अत्यंत दैदीप्यमान हो रहा है, ऐसा धूलिसाल को उल्लंघन कर उन्होंने मानस्तंभ की पूजा की, जिनमें स्वच्छ और शीतल जल भरा हुआ है और कमल फूल रहे हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी के समान मानस्तंभ के चारों ओर की बावड़ियां भी महाराज भरत ने देखी। धूलिसाल की परिधि के भीतर और चारों ओर से गलियों के बीच उन्होंने देवों के निवास करने योग्य पृथ्वी भी देखी। कुछ और आगे चलकर उन्होंने जल से भरी हुई पारिका देखी। वह पारिका सज्जन पुरुषों के चित्त की वृत्ति के समान स्वच्छ और गंभीर थी। तदंतर जो अनेक प्रकार के फूलों की लताओं से व्याप्त हो रही है और जो फूलों के आसव रूपी रस से मत होकर फिरते हुए भ्रमरों से व्याप्त है, ऐसे लता वन देखा। वहां से कुछ आगे जाकर उन्होंने पहला कोट देखा जो निषद पर्वत के किनारे के साथ स्पर्धा कर रहा है और रत्नों की दीप्ति से सुशोभित था। देव रूप द्वारपाल जिसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे गोपुर द्वार के समीप रखे हुए 8 मंगल द्रव भी उन्होंने देखे। तदंतर भीषण प्रवेश करते हुए चक्रवर्ती भरत इंद्राणी के नृत्य करने से योग के दोनों ओर की 2 नाट्यशालाओं को देखकर परम प्रति को प्राप्त हुए। वहां से कुछ आगे चलकर मार्ग में दोनों ओर बगल में रखे हुए सुगंधित ईंधन के समूह के द्वारा जिनसे अत्यंत सुगंधित धूम निकल रहा है, ऐसे 2 धूपघट देखे। इस दूसरी कक्षा में उन्होंने 4 वन भी देखे जो झड़ते हुए फूलों वाले वृक्षों से अर्घ देते हुए के समान जान पाते थे। फूले हुए अशोक वृक्ष के वन, सप्तपर्ण वन, नौकत वन, चंपक वृक्षों का वन और आमों का सुंदर वन देखकर भरत महाराज को आनंद भी दूना हो गया था। श्रीमान भरत ने उन वनों में जिन प्रतिमाओं के अधिष्ठित और इंद्र नरेंद्र आदि के द्वारा पूजित बहुत ऊंचे चैत्य वृक्षों की भी पूजा की। उन्हीं वनों में किन्नर जाति की देवियां भगवान का उत्सव गा रही थी। उनके गंभीर तान वाले गीतों से चक्रवर्ती भरत ने परम संतोष प्राप्त किया था। सुगंधित पवन ही जिसका सुगंधिपूर्ण निश्वास है और फूल ही जिसका मंद हास्य है, ऐसी वह वन की लक्ष्मी कोयलों के मधुर शब्दों से ऐसी जान पड़ती थी मानो चक्रवर्ती के साथ वार्तालाप ही कर रही हो। भ्रमरियों के संगीत से मिले हुए कोकिला रूपी नगाड़ों के शब्दों से वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवान ने जो कामदेव को जीत लिया है उसी की घोषणा कर रहे हैं। वहां पर तीनों लोगों के जन समूह के निरंतर प्रवेश करने की उतावली जो समुद्र के जल की गर्जना के समान भारी कोलाहल हो रहा था, उसे भी भरत महाराज ने सुना। तदंतर उन वनों से रुकी हुई पृथ्वी के आगे उन्होंने वन पंक्ति रूपी विलासनी स्त्री की मणिमय मेखला के समान मणियों से जड़ी हुई वन की वेदी देखी। वन वेदी के मुख्य द्वार की भूमि को उल्लंघन कर चक्रवर्ती भरत ने ध्वजाओं से रुकी हुई पृथ्वी देखी। वह पृथ्वी उस समय ऐसी मालूम होती थी मानो वायु से हिलते हुए ध्वजाओं के वस्त्रों के द्वारा उन्हें बुला ही रही हो। वह ध्वजा भूमि यज्ञ भूमि के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ भूमि का आकाश अनेक फैलाती हुई ध्वजाओं के समूह से व्याप्त होता है, उसी प्रकार ध्वजा भूमि का आकाश भी अनेक फैलाती हुई ध्वजाओं के समूह से व्याप्त हो रहा था। जिस प्रकार यज्ञ भूमि धर्मचक्र हाथी आदि के मंगलादिक चिन्हों से सहित होती है, उसी प्रकार वह ध्वजा भूमि भी चक्र और हाथी के चिन्हों से सहित थी। जिस प्रकार यज्ञ भूमि जिनेन्द्र देव के जय अर्थात जय जय का शब्दों से व्याप्त होती है, उसी प्रकार वह ध्वजा भूमि भी जिनेन्द्र देव के जय जयकार शब्दों से व्याप्त थी अथवा कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेने से प्रकट हुई थी। जिन राज की वे ध्वजाएं सिंह वस्त्र कमल मयूर हाथी गरुण माला बैल हंस और चक्र इन चिन्हों से के भेद से 10 प्रकार की थी।
ये ध्वजाएं प्रत्येक दिशा में एक प्रकार की 108 स्थित थी। उन सब की पूजा करते हुए चक्रवर्ती महाराज उस ध्वजा भूमि से आगे गए। आगे चलकर उन्हें चार गोपुर द्वार दरवाजों से चांदी का बना हुआ दूसरा कोर्ट देखा और उसे उल्लंघन कर आगे पहले के समान नाट्यशाला आदि देखी। वहां देवांगनाओं के नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और खूब की घट सुनते हुए महाराज भरत की इंद्रियां बहुत ही संतुष्ट हुई थी। आगे चलकर उन्होंने उसी कक्षा के मध्य में माला वस्त्र और आभूषण आदि अभीष्ट फल देने वाले कल्प वृक्षों के वन की भूमि देखी। उसी वन भूमि में उन्होंने सिद्धों की प्रतिमाओं से अधिष्ठित और इंद्रों के द्वारा पूजित सिद्धार्थ वेद और वृक्षों की प्रदर्शन दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तदनंतर चार गोपुर द्वारा सुशोभित वन की वेदी को उल्लंघन कर चक्रवर्ती ने अनेक महलों से भरी पृथ्वी और स्तूप देखे। महादेवों के रहने के लिए जो महल बने हुए थे वे 3 खंड 4 खंड 5 खंड आदि अनेक प्रकार के थे तथा नाना प्रकार के उपकरणों से सजे हुए थे, जिनके बीच बीच में रत्नों के तोरण लगे हुए हैं और जिन पर चारों ओर से जिनेन्द्र देव की प्रतिमा विराजमान है। ऐसे वे रत्नमय स्तूप भी बहुत अधिक सुशोभित हो रहे थे। उन स्तूपों को देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उन्हीं का वर्णन करते हुए जिन्हें परम आश्चर्य हो रहा था, ऐसे भरत ने क्रम क्रम से उस कक्षा का उल्लंघन किया। आगे चलकर उन्होंने स्फटिक आकाश स्फटिक का बना हुआ तीसरा कोट देखा। वह कोट ऐसा जान पाता था मानो जिनेन्द्र देव की समीपता के कारण उसे सिद्धि ही प्राप्त हो गई है। महामारा महाद्वारपाल के रूप में खड़े हुए कल्पवासी देवों से आदर सहित आज्ञा लेके महाराज भरत ने भगवान की सभा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने चारों ओर से एक योजन लंबा चौड़ा गोल और अपने भीतर समस्त जगत को स्थान देने वाला श्री मंडप देखा। उसी श्री मंडप के मध्य में जिनेन्द्र भगवान के चरणों में दर्शन करने से उत्पन्न हुई प्रीति से जिसके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसे क्रम से बैठे हुए उज्जवल ज्ञान के धारी मुनि कल्पवासिनी देवियां आरिकाओं से सहित रानी आदि स्त्रियां ज्योतिषी वंतर और भवनवासी देवों की देवियां भवनवासी वंतर ज्योतिषी और कल्पवासी देव राजा आदि मृग और मनुष्य मृग आदि पशु ऐसे 12 संघ देखे तथा इन्हीं को देखकर महाराज भरत ने 3 कटनीदार पीठ की प्रथम कटनी का आश्रय ले उसकी प्रदक्षिणा दी। उस प्रथम कटनी पर चक्रवर्ती ने जिन्हों यक्षों के इंद्र अपने मस्तक पर धारण कर रखा है और जो सूर्य के बिंब का अनुकरण कर रहे हैं और चारों दिशाओं में 4 धर्म चक्रों की प्रसन्नता के साथ पूजा की। दूसरी कटनी पर उन्होंने चक्र हाथी बैल कमल सिंह माला वस्त्र और गरुण के चिन्हों से चिन्ह 8 महाध्वजाओं की पूजा की। तदनंतर विद्वान चक्रवर्ती ने जिस पर शोभा युक्त गंधकुटी स्थित थी ऐसी तीसरी कटनी पर जगत गुरु भगवान ऋषभ देव को देखा। उस गंधकुटी के भीतर जो रत्नों की बनावट से बहुत सुंदर और मेरु शिखर के समान ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, जिनका शरीर बड़ा, जिन पर 3 छत्र छाया कर रहे थे, परंतु जो स्वयं छाया रहित थे, पापों को नष्ट करने वाले थे, जिन्होंने अपने प्रभा मंडल से मनुष्य देव और धरणे सभी के समूहों को व्याप्त कर लिया था, जो अशोक वृक्ष के चिन्ह से जान पड़ते थे मानो अपने चरणों का आश्रय लेने वाले जीवों का शोक दूर करने के लिए अपनी ही शक्ति प्रकट कर रहे हो, जिनके समीप का भाग चारों ओर से टूटते हुए चामरों से व्याप्त हो रहा था और जो सुंदर शरीर के धारक थे, इसलिए जो उस मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे जो कि शिखरों के समीप भाग से पड़ते हुए झरनों से व्याप्त हो रहे हैं, जो चारों ओर से फैलते हुए कांति मंडल से व्याप्त हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो गोल परिधि से गिरे हुए सूर्य मंडल का अनुकरण ही कर रहे हो, गंभीर शब्द करने वाले आकाश दिव्यों से द्वारा जिनका महात्म्य प्रकट हो रहा है तथा फूलों की वर्षा करने वाले दिव्य मेघों के द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जिन्होंने चारों ओर से फैलती हुई अपनी गंभीर गर्जना से तीनों लोकों के जीवों की सभा को संतुष्ट कर दिया था और इसीलिए जो धर्म रूपी जल की वर्षा करते हुए वर्षा ऋतु के मेघ के समान जान पड़ते थे और उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा एक रूप होकर भी अतिशय वर्ष श्रोताओं के कर्ण हुआ के समीप अनेक भाषाओं रूप पर नमन करने वाली और जीवों के हृदय का अंधकार दूर करने वाले दिव्य ध्वनि को बिना किसी प्रयत्न के प्रसारित कर रहे थे, जो अनंत वीर को धारण कर रहे थे, आभूषण रहित होने पर भी अतिशय सुंदर थे, वाणी रूपी उत्तम विभूति के धारक थे और जिनके शरीर से सुगंधि निकल रही थी, जो शुभ लक्षणों से सहित थे, पसीना और मल से रहित थे, जिनके शरीर की छाया नहीं पड़ती थी, जो आंखों के पलक न लगने से अतिशय सुंदर थे, समचतुर संस्थान के धारक थे और जो छेदन भेदन
रहित अतिशय बलवान शरीर को धारण कर रहे थे। ऐसे अचिंत महात्म्य के धारक श्री जिनेंद्र भगवान को दूर से ही देखते हुए महाराज भरत आनंद से भर गए तथा उन्होंने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर श्री भगवान को नमस्कार किया। दूर से ही नमरी होने के कारण जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और मणिमय कुंडल चंचल हो रहा है, ऐसे भक्तिपूर्ण जिनेंद्र देव को प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पाते थे मानो उन्हें रत्नों का अर्घ ही दे रहा हूं। जहां तक उन्होंने मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने की इच्छा से विधि पूर्वक जल चंदन पुष्पमाला अक्षत नैवेद्य दीप धूप और फलों के द्वारा भगवान की पूजा की। पूजा की विधि समाप्त कर चुकने के बाद भरतेश्वर ने परमेष्टि वृषभ देव को प्रणाम किया और अच्छे अच्छे स्तोत्रों के साथ उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। हे भगवान, आप परमात्मा हैं, अपार गुणों के धारक हैं, अविनश्वर हैं और मैं शक्ति से हीन हूँ, तथापि बड़ी भारी भक्ति से जबरदस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता। ये देव जो गर्दा देवों के द्वारा भी गम्य नहीं है, ऐसे कहाँ तो आपके अनंत गुण और कहाँ मुझ सरीखा मंद पुरुष। तथापि आपके गुणों के अधीन रहने वाली भक्ति से प्रेरित होकर आपकी स्तुति करने का प्रयत्न करता हूँ। हे भगवान, आज में की हुई थोड़ी भक्ति भी बहुत भारी फल देने के लिए समर्थ रहती है, सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी की संपत्ति सेवक जनों की संपत्ति की परंपरा को पुष्ट करती है। हे नाथ, जिस प्रकार मेघों के आवरण से छूटे हुए सूर्य की अनेक किरणें प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार घातिया कर्म रूपी मल के दूर हो जाने से आपके अनेक गुण प्रकट होते हैं। हे प्रभु, घातिया कर्मों को जीत लेने से आपके यथार्थ दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर आदि की छाई उपलब्धियां प्रकट हुई है। हे देव, जिस समय आप केवल ज्ञान नाम की उत्कृष्ट ज्योति प्रकट हुई थी, उसी समय आपने मर्यादा के बिना ही समस्त लोक और अलोक को जान लिया था। हे ईश, सब जगह जाने जाने वाली अर्थात संसार के सब पदार्थों का निरूपण करने वाली आपके वचनों की शुद्धि आपके सर्व ज्ञान पने को प्रकट करती है, सो ठीक है, क्योंकि इस जगत में मंद बुद्धि वाले जीवों से इतना अधिक वचनों का वैभव कभी नहीं हो सकता है। हे देव, वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता मानी जाती है, क्योंकि अत्यंत अशुद्ध वक्ता से उज्ज्वल वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। हे नाथ, समस्त पदार्थों की विषय में करने वाली आपकी यह सप्त भंग वाणी ही आप में आप्तपने की निर्मल प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए समर्थ है। हे सबका हित करने वाले, आपकी सप्त भंग रूपी वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थ कदंचित है, कदंचित नहीं ही है, कदंचित दोनों ही प्रकार है, कदंचित अव्यक्त है, कदंचित अविस्तृत रूप है अव्यक्त है, कदंचित नास्तिक रूप होकर अव्यक्त है और कदंचित अस्तित्व और नास्तिक दोनों रूप होकर अव्यक्त है। जैनागम में प्रत्येक वस्तु में एक एक धर्म के प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा से सात सात भंग माने गए हैं, जो कि इस प्रकार है, स्यादस्तेव, स्यानास्तेव, स्यादस्ति और नास्तेव। स्याद वक्तव्यमेव, स्यादस्ति चावक्त वक्तव्यम च, स्थानास्ति चावक्तव्यम च और स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यम च। इनका स्पष्ट अर्थ है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व रूप ही है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है, और एक साथ दोनों धर्म नहीं कहे जाने सकने के कारण अव्यक्त रूप भी है, अवक्तव्य रूप भी है, और एक साथ दोनों धर्म के कारण अवक्तव्य रूप भी है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में मुख्यता से अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य, ये तीन धर्म पाए जाते हैं। इन्हीं मुख्य धर्मों के संयोग से सात सात धर्म हो जाते हैं। जैसे जीवोस्ति जीव है, यहाँ पर जीव और अस्तित्व क्रिया में विशेष विश्लेषण विशेषण संबंध है। विशेषण विशेष में ही रहता है, इसलिए जीव का अस्तित्व जीव में ही है, दूसरी जगह नहीं है।
इसी प्रकार जीवो नास्ति जीव नहीं है, यहाँ पर भी जीव और नास्तित्व में विशेष विशेषण संबंध है। इसलिए ऊपर कहे हुए नियम से नास्तित्व जीव में ही है, दूसरी जगह नहीं है। जीव के इन अस्तित्व और नास्तित्व रूप धर्मों को एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए उसमें एक अव्यक्तित्व नाम का धर्म भी है। इन तीनों धर्मों में से जब जीव के केवल अस्तित्व धर्म की विवक्षा करते हैं, तब स्वाद अस्तित्व जीव ऐसा पहला भंग होता है जो नास्तित्व धर्म की विवक्षा करता था। नास्तित्व जीव दूसरा ऐसा भंग होता है जो क्रम से दोनों की क्रम से विवक्षा करते हैं, तब स्यादस्ति च नास्तित्व जीव इस प्रकार का तीसरा भंग होता है जब दोनों की अक्रम अर्थात एक साथ विवक्षा करते हैं, तो दो विरुद्ध धर्म एक काल में नहीं कहे जा सकने के कारण स्याद व्यक्त में ऐसा चौथा भंग होता है। तथा अस्तित्व और अव्यक्त इन दोनों धर्म की विवक्षा करते हैं, तब स्याद अस्ति च व्यक्त ऐसा पांचवा भंग होता है। जब नास्तित्व और अव्यक्त इन दो धर्मों की विवक्षा करते हैं, तब नास्ति च व्यक्तत्व च ऐसा छठा भंग हो जाता है। और जब अस्तित्व नास्तित्व तथा अव्यक्त अवक्तव्य इन धर्मों की विवक्षा करते हैं, तब स्यादस्ति नास्ति च वक्तव्य च ऐसा सातवां भंग हो जाता है। संयोग की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक धर्म सात सात भंग के रूप रहता है, इसलिए जिनेन भगवान ने सप्तभंगी सात भंगों के समूह रूप वाणी के द्वारा उपदेश दिया है। जिस समय जीव के अस्तित्व धर्म का निरूपण किया जा रहा है, उस समय उसके अवशिष्ट धर्मों का अभाव न समझ लिया जाए, इसलिए उसके साथ विवक्षा सूचक स्याद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तथा संदेह दूर करने के लिए नियमवाचक एव या चा आदि निपातों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे सब मिलाकर स्यादस्तेव जीव इस वाक्य का अर्थ होता है जीव किसी अपेक्षा से ही है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। जैन धर्म अपनी व्यापक दृष्टि से पदार्थ के भीतर रहने वाले उसके समस्त धर्मों का विवक्षानुसार कथन करता है, इसलिए वह स्यादवाद रूप कहलाता है। वास्तव में इस सर्वमुखी दृष्टि के बिना वस्तु का पूर्ण संबंध कहा भी तो नहीं जा सकता। हे देव, जिनकी बुद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध तथा संबंध रहित वचनों के जाल में फंसकर व्यामुग्ध हो गई है, ऐसे कुदेवों के श्रद्धान नहीं करने योग्य सर्वज्ञता आप में विद्यमान है। भावार्थ, सर्वज्ञ वचन वही हो सकता है जिसके वचनों में कहीं भी विरोध नहीं आता है। संसार के अन्य देवी देवताओं के वचनों में पूर्वा पर विरोध पाया जाता है, इसी से उनकी भ्रांत बुद्धि का पता चल जाता है। इन सब कारणों को देखते हुए वे सर्वज्ञ थे ऐसा विश्वास नहीं होता, परंतु आपके वचनों अर्थात उपदेशों में कहीं भी विरोध नहीं आता। आपने वस्तु के समस्त धर्मों का वर्णन किया है, इससे आपकी बुद्धि क्या निर्भ्रांत है, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। जिस प्रकार मेघों के बीच में जिसकी समस्त किरणें छिप गई हैं, ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता है तथापि फूले हुए कमलों से उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है, उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई देता है तथापि आपके श्रेष्ठ वचनों के वैभव के द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूप का अस्तित्व सूचित हो रहा है। भवार्थ, आपके महान उपदेशी आपको सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। अथवा जिस प्रकार सघन अंधकार में यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता है तथापि आपके शब्दों के द्वारा दूर से ही पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नहीं दिखाई देता है तथापि आप अपने स्पष्ट और सत्यार्थ वचनों से आप्त कहलाने के योग्य हैं। अथवा हे देव, जिसका बड़ा भारी अभ्युदय है, ऐसी यह आपकी अध्यात्म संबंधी ज्ञान रूपी संपत्ति दूर रहे, आपकी यह बाह्य विभूति ही हम लोगों के को आपके हितोपदेशीपन का उपदेश दे रही है। भावार्थ, आपकी बाह्य विभूति ही हमें बतला रही है कि आपका मोक्ष मार्ग रूप हित का उपदेश देने वाले सच्चे व्यक्ता और आप्त हैं। हे भगवान, देव रूप कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ और रत्नों की किरणों से मिला हुआ आपका यह शेष सिंहासन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा है। देवों के द्वारा ऊपर की ओर धारण किया हुआ यह आपका प्रकाशमय छत्र आपकी तीनों लोकों की प्रभुता का चिन्ह है, ऐसा हम क्यों ना विश्वास करें। भावार्थ, आपके मस्तक के ऊपर आकाश में देवों ने जो तीन छत्र लगा रखे हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो आप तीन लोकों के स्वामी हैं, यही सूचित कर रहे हों।
देवों के द्वारा ढुलाए गए ये चमर तीनों जगत का उल्लंघन करने वाले आपके असाधारण ऐश्वर्य को सूचित कर रहे हैं। हे देव, ये देव रूपी मेघ आपकी सभा के चारों ओर अत्यंत सुगंधित तथा भ्रमरों के समूह को बुलाने वाली फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हे प्रभो, आपके विजयोत्सव में देव रूप किंकरों के हाथों के अग्रभाग से ताड़ित हुए ये देवों के दुंदुभी बाजे आकाश रूप आंगन में गंभीर शब्द कर रहे हैं, जिसका समीप भाग देवों के द्वारा सेवित है, अर्थात जिसके समीप देव लोग बैठे हुए हैं और जो जन समूह के शोक तथा संताप को दूर करने वाला है। ऐसा यह अशोक वृक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है, क्योंकि आपका समीप भाग भी देवों के द्वारा सेवित है और आप भी जन समूह के शोक और संताप को दूर करने वाले हैं, जिसने प्रातःकाल के सूर्य की कांति धारण कर ली की है और जो नेत्रों के उत्सव बढ़ा रहा है। ऐसी यह आपके शरीर की दधिपमान कांति सभा के चारों ओर फैल रही है। भावार्थ, आपके भामंडल की प्रभा सभा के चारों ओर फैल रही है। समस्त भाषाओं के भेदों का अनुकरण करने वाले तथा समस्त भाषाओं रूप परिणत होने वाली आपकी यह दिव्य ध्वनि जो वचन नहीं बोल सकते, ऐसे पशु पक्षी आदि तिरंचों के भी हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। हे प्रभो, आपके ये प्रातिहार रूप आठ प्रकार की विभूति आपकी लोकोत्तर महिमा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। मेरु पर्वत के समान ऊंचे तीन कटनीदार पीठ पर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊंची गंध कुटी मेरु की चूलिका के समान सुशोभित हो रही है। वंदना करने वाले उत्तम मुनियों के स्रोतों की प्रतिध्वनि से यह गंध कुटी ऐसी जान पड़ती है मानो भक्तिवश हर्ष से आपकी स्तुति ही करना चाहती हो। हे प्रभु, जो श्रेष्ठ रत्नों से बनी हुई है और अतिशय दैदीप्यमान इस गंध कुटी में विराजमान है, ऐसे आपकी स्वर्ग में रहने वाले देव नम्र होकर सेवा कर रहे हैं। हे देव, जो अग्रभाग में लगे हुए मणियों से सहित है, ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवों के मुकुट ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपके चरणों के समीप दीपक सहित रत्नों के अर्घ ही स्थापित किए गए हों। नमस्कार करते हुए करोड़ों देवों के मस्तकों पर जो आपके चरणों के नखों की किरणें पड़ रही हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो उन पर प्रसन्नता के अंश ही लग रहे हों। आपके नख रूपी दर्पण में जिनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे ये देवांगनाओं के मुख आपके चरणों के समीप में कमलों की शोभा धारण कर रहे हैं। जवा के फूल के समान लाल वर्ण जो यह आपके पैरों के तलवों की कांति फैल रही है, वे देवांगनाओं के मुखों पर कुमकुम की शोभा धारण कर रही है। जो 12 सभाओं से भरी हुई है, पृथ्वी के मध्य भाग में वर्तमान है और जिस पर अनेक मंगल द्रव्य प्रकट हो रहे हैं, ऐसा यह तीन कटनीदार आपका पीठ रूपी पर्वत बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। इस पीठ की पहली परिधि धर्म चक्रों से अलंकृत है और दूसरी परिधि भी आठों दिशाओं में फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित है। यद्यपि आपके शिव मंडप की रचना एक ही योजन लंबी चौड़ी है, तथापि वह तीन जगत के जन समूह को निरंतर प्रवेश कराते रहने रूप उपकार में समर्थ है। हे प्रभु, यह धूलिसाल की परिधि, ये मान स्तंभ सरोवर, स्वच्छ जल से भरी हुई पारिखा, लता वनों के समूह, ऊंचे ऊंचे चार गोपुर द्वारा से सुशोभित तीन कोट, मंगल द्रव्यों का समूह, निधियां, तोरण, दो दो नाट्यशालाएं, दो दो सुंदर घट घूपघट, चैत्य वृक्षों से सुशोभित वन पंक्तियों की परिधि, दो वन वेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओं की पंक्ति से भरी हुई पृथ्वियां, कल्प वृक्षों के वन का विस्तार, स्तूप और मकानों की पंक्ति, इस प्रकार मनुष्य देव और धर्णेन्द्रों की के वन का धर्णेन्द्रों को पवित्र करने वाली आपकी यह सभा भूमि ऐसी जान पड़ती है मानो तीनों जगत की अच्छी अच्छी वस्तुओं का समूह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो। हे जिनेन्द्र, जिससे आपका महान अभ्युदय या ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो, ऐसी यह आपकी अतिशय उत्कृष्ट बाह्य विभूति आपकी अंतरंग लक्ष्मी को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है। हे नाथ, जिसके विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ऐसी यह देवों के द्वारा रची हुई आपके समोषण की विभूति
आपके वैराग्य के अतिशय को नष्ट नहीं कर सकती है। सम्मोषण सभा भवत सम्मोषण सभा की अनुपम विभूति देखकर आपके हृदय में कुछ भी राग भाव उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार जिनकी अद्भुत महिमा है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और जिनका शासन अतिशय पवित्र है, ऐसे आप स्तुति के उपस्थान करने वाले मुझे पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपकी स्तुति का प्रपंच करना व्यर्थ है, क्योंकि आपके गुण अत्यंत अचिंत्य हैं। इसलिए मैं संक्षेप से इतनी ही स्तुति करता हूँ कि हे ईशान, आपकी जय हो और आपको नमस्कार हो। हे ईश, आपकी जय हो। हे कर्म रूप ईंधन को जलाने वाले, आपकी जय हो। हे जरा रहित, आपकी जय हो। हे लोकों के गुरु, आपकी जय हो। हे सबका हित करने वाले, आपकी जय हो। हे जयशील, आपकी जय हो। हे अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी जयनशील, आपकी जय हो। हे अनंत गुणों से उज्ज्वल, आपकी जय हो। हे समस्त जगत के बंधु, आपकी जय हो। हे समस्त जगत का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त जगत को जानने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त सुखों को प्राप्त करने वाले, आपकी जय हो। हे समस्त जगत में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे समस्त जगत के गुरु, आपकी जय हो। हे मोह रूपी शत्रु को जीतने वाले, आपकी जय हो। हे कामधेव को भर्सना करने वाले, आपकी जय हो। हे जन्म जरा रूपी रोग को जीतने वाले, आपकी जय हो। हे मृत्यु को जीतने वाले, आपकी जय हो। हे मद रहित माया रहित, आपकी जय हो। हे मोह रहित ममता रहित, आपकी जय हो। हे निर्मल और निर्द्वंद, आपकी जय हो। हे शरीर रहित और पूर्ण ज्ञान सहित, आपकी जय हो। हे समीचीन मार्ग को जानने वाले, आपकी जय हो। हे समीचीन मार्ग को जानने वाले, आपकी जय हो। हे मिथ्या मार्ग को रोकने वाले, आपकी जय हो। हे कर्म रूपी शत्रुओं के मर्म को वेधन करने वाले, आपकी जय हो। हे धर्म चक्र के द्वारा विजय प्राप्त करने में उत्कृष्ट, आपकी जय हो। हे यज्ञ के अधिपति, आपकी जय हो। हे कर्म रूप ईंधन को ध्यान रूप अग्नि में होम करने वाले, आपकी जय हो। हे पूज्य तथा महान वैभव को धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उत्कृष्ट दया रूप चिन्ह से सहित तथा हे समीचीन धर्म रूपी रथ के सारथी, आपकी जय हो। हे संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले, हे गुणों की खानी, आपकी जय हो। हे समस्त विद्या रूपी समुद्र का पान करने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो। आप उत्कृष्ट अनंत सुख रूप हैं तथा सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप परम आनंदमय और परमात्मा हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की दीप्ति के समूह से दैदीप्यमान हो रहे हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपके परम औदारिक शरीर की कांति नेत्रों को आनंद देने वाली है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे देव, स्वर्गावतरण अर्थात गर्भ कल्याण के उत्सव के समय इंद्रों ने अपने हाथों की अंजलि रूपी बिना खिले कमल अपने मस्तक पर रखकर आपकी स्तुति की थी, इसलिए आपको नमस्कार हो। अपने नम्र हुए मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर रखने वाले उत्तम देवों ने जिनकी स्तुति की है तथा सुमेरु पर्वत के अग्रभाग पर जिनका जन्माभिषेक किया गया है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। दीक्षा कल्याणक के उत्सव के समय अपने मुकुट के समीप ही हाथ जोड़कर लगा के रखने वाले लोकांतिक देवों ने जिनका अधिष्ठान अर्थात स्तुति की है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। दीक्षा कल्याणक के उत्सव के समय अपने मुकुट के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखने वाले लोकांतिक देवों ने जिनका अधिष्ठान अर्थात स्तुति की है, ऐसा आपके लिए नमस्कार हो। अपने मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों का चुम्बन करने वाले देवों के हाथ रूपी मुकुलित कमलों के द्वारा जिनके केवल ज्ञान की ही पूजा की गई है, ऐसा आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवान, जब आपका मोक्ष कल्याणक होगा उस समय भी दैदीप्यमान मुकुटों को धारण करने वाले वहनी कुमार इंद्रों के इंद्र आपकी पूजा करेंगे, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणक के समय बड़ी भारी पूजा प्राप्त हुई है। आप महान तेजो के धारक हैं। आप तीन लोक का उत्कृष्ट राज्य प्राप्त हुआ है और आप बड़ों में भी बड़े अर्थात अथवा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए स्वर्ग के इंद्रों के मुकुट में लगे हुए मणियों से जिनके चरणों की पूजा की गई है,
ऐसे आपके लिए नमस्कार हो जिन्होंने कर्म रूपी दुर्जय शत्रुओं को जीतकर अनंत चतुष्टय रूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की है। ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। हे उत्कृष्ट रिद्धियों को धारण करने वाले, आप उत्कृष्ट पूजा के योग्य हैं तथा रहस्य अर्थात अंतराय जय अंतराय रज अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण और अरि अर्थात मोहनी कर्म के नष्ट करने से आपने अरिहंत ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे मृत्यु को जीतने वाले, आपको नमस्कार हो। हे मोह को जीतने वाले, आपको नमस्कार हो। हे काम को जीतने वाले, आप वीतराग तथा स्वयंभू हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, जो आपको नमस्कार करता है वह पुण्यात्मा पुरुष अनेक नम्र पुरुषों के द्वारा नमस्कृत होता है, और जो आपके विजय की घोषणा करता है वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कर्म रूप शत्रुओं को जीतकर गो अर्थात पृथ्वी या वाणी को जीतता है। हे देव, आज आपकी स्तुति करने से मेरे वचन पवित्र हो गए हैं, आपका स्मरण करने से मेरा मन पवित्र हो गया है, आपको नमस्कार करने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, और आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरे नेत्र संतुष्ट हो गए हैं और आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। हे देव, स्वच्छ और पुण्य रूप जल से खूब भरे हुए आपके तीर्थ रूपी सरोवर में मैंने चिरकाल से अच्छी तरह स्नान किया है, इसलिए मैं आज पवित्र तथा सुख से संतुष्ट हो रहा हूँ। हे प्रभु, जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिए हैं, ऐसा जो यह आपके चरणों के नख की कांति का समूह रूप जल मेरे मस्तक पर लग रहा है, उससे मैं ऐसा मालूम होता हूँ मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो। हे विभो, एक ओर तो मुझे दूसरे के शासन से रहित यह चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त हुई है, और एक ओर समस्त लोक को पवित्र करने वाले आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। हे भगवान, दिशा भ्रम होने से विमूढ़ होकर अथवा दिग्विजय के लिए अनेक दिशाओं का भ्रमण करने के लिए मुक्त होकर मैंने जो कुछ पाप उपार्जन किया था वह आपके दर्शन मात्र से उस प्रकार विलीन हो गया है जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है। हे देव, आपके चरणों के स्मरण मात्र से ही जब मनुष्य पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, तब फिर इस भक्ति भाव से की हुई आपके गुणों की स्तुति से क्यों नहीं पवित्रता को प्राप्त होगा अर्थात अवश्य होगा। हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति करने से मैंने पुण्य उपार्जन किया है, उससे यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। इस प्रकार चर अचर जीवों के गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान ऋषभदेव को नमस्कार कर जिसने आनंद के आंसुओं की बूंदों से सामने का प्रदेश सींच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है और जिसने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक में लगा रखे हैं, ऐसे चक्रवर्ती भरत ने भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार किया। कर्म रूपी शत्रुओं के समूह को जीतने से जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान ऋषभदेव से पुरातन धर्म का स्वरूप सुनकर भरताधिपति महाराज भरत बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को प्रायः अपना हित करने में ही संतोष होता है। तदंतर अपने चंचल मुकुट के किनारों से जिन्हें भगवान के पादपीठ का स्पर्श किया है, ऐसे निधियों के स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ भगवान से पूछकर तथा वहाँ विराजमान अन्य मुनियों को नम्र हुए मस्तक से नमस्कार कर अपनी निवास भूमि अयोध्या को जाने के लिए तत्पर हुए। चक्राधिपति भरत ने जिसमें अनुक्रम से खिले हुए सुंदर फूल गुदे हुए हैं और जो श्री जिनेन्द्र देव के चरणों में भक्तिपूर्वक अर्पित की गई है, ऐसी माला के समान सुंदर मन की प्रसन्नता से युक्त अपनी दृष्टि को शिक्षाक्षत समझ बड़ी कठिनाई से हटाकर भगवान के सभावन अर्थात समो शरण से प्रस्थान किया। भगवान के समो शरण की प्रकाशमान विभूति को देखने से जिनके दोनों नेत्र खुल रहे हैं, जिनकी भुजाएं युग के समान लंबी हैं, मस्तक झुकाए हुए हैं, अनेक राजा लोग जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो कुलकलों के वंश की पताका के समान जान पड़ते हैं, ऐसे भरत महाराज अपने घर की ओर लौटे। चूंकि पुण्य उदय से ही चक्रवर्ती ने समस्त दिशाएं जीती,
तथा उनके जीतने में 60,000 वर्ष लगाए और फिर प्रीतिपूर्वक जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर उत्कृष्ट आनंद प्राप्त किया। इसलिए यह बुद्धिमान जन पुण्य के संग्रह करने में प्रयत्न करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवान जी सेनाचार प्रणित त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में भाषानुवाद में भरत राज का कैलाश पर्वत पर जाने का वर्णन करने वाला 33वां पर्व समाप्त हुआ।